Hey, Rusty! Rusty! Rusty, what's up? Rusty! वो जानवर से भागते भागते उस कुएं में गिरे थे। हाँ, मुझे भी वही याद है। फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? और ये क्या जगह है? पिछले दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई कि अब ये सब अजीब नहीं दिखता मुझे। तुम्हें लगता है कि जंगल, जानवर, आत्मा सपना था जो खत्म हो गया। आ रहे, आ रहे, कोई आ रहे। कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे ये तो आर्यन है, ये गोली क्यों चला रहा है? पुलिस, आर्यन गोली मत चलाना, आप बाहर आ रहे। विवान बोल रहा हूं, विवान, डोंट फायर, डोंट शूट, प्लीज डोंट शूट। विवान, गौतम, रोशनी, आई एम सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। लेकिन तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? और ये क्या हो गया तुम लोग? आर्यन, हम एक जंगल में थे और वहां एक डरावना जानवर और एक आत्मा हमारा पीछा कर रही थी। जान बचाते बचाते हम कुएं में गिर गए और जब आंख खुली तो हम यहां थे। रोशनी, यहां तो दूर दूर तक कोई कुआं नहीं। हाँ, जंगली जानवर जरूर है। एक्चुअली आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर ही होंगे यहाँ पर, इसलिए गोली चला रहा था। लेकिन आत्मा, come on रोशनी, I mean कैसी बातें कर रही है? ये सच कह रही है आर्यन, आत्माएं होती है। come on, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हो विमान? आर्यन, विमान सही कह रहा, जंगल में आत्मा थी। जंगल यार गौतम, यहाँ तो दूर दूर तक कोई जंगल नहीं। जंगल, आत्मा, ये सब क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग? इसने वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है। ये हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। I hope ये जगह सेफ है। ये जगह बहुत सेफ है रोशनी, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। कम, लेट्स गो इन। रिलैक्स गाइस, उस जानवर के अलावा यहाँ किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आई होप जो तुम कह रहे हो वो सही है। मैं पूरे 8 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, दस में यहाँ तुम लोग बहुत आराम से रहोगे। आर्यन, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? खाते वक्त बता दो।
Come, guys. Come, guys. आ जाओ. खाना लगा हुआ है. पेट भर के खाना खाते हैं. जब तक यहां हूं तब तक किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. ओके? एटलीस्ट अगले 3 दिनों तक तो नहीं. 3 दिन तक? क्यों? 3 दिन के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि 3 दिन के बाद एक नाव आएगी जो मुझे मुंबई वापस ले जाएगी. तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो. पर अगर हम आएंगे तो विवान, पहले खाना खा लेते उसके बाद ढेर सी बातें करेंगे. कम बैठो. इतना सारा खाना तुमने बनाया है? आई विश कि इतना अच्छा खाना मुझे बनाना आता. मैंने नहीं, मेरे कुक ने बनाया. पर इतना सारा खाना आ रहा है, तुमने अकेले के लिए तो नहीं बनवाया होगा? तो कोई और भी आने वाला था यार? तुम नहीं बदलोगे गौतम. पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लोग यहां पर आ जाएं. और देखो तुम लोग आ गए, इसीलिए इतना सारा खाना बनवा लिया मैंने. ठीक किया ना? पर तुम यहां पे कर क्या रहे हो आप? और वैसे तुम यहां अकेले ही हो या कोई और भी है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना गौतम, यहां सिर्फ मैं और मेरा कुक है. पर आर्यन, इतने बड़े महल में सिर्फ 2 ही लोग. आर्यन, 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 तुम यहां हो? मैं तुम्हें आर्यन, तुमने अभी अभी कहा कि सिर्फ तुम और कुकी हो यहां पे, तो करिश्मा यहां पे क्या कर रही है? देखो तुम सब इतने थके हुए थे कि मैंने सोचा पहले कुछ खा लो, फिर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा. आओ करिश्मा. हाय रोशनी. हाय, हाउ आर यू? गुड. ये सब क्या हुआ, कैसे? वो एक्चुअली हम एक जंगल में थे और एक सेकंड, मैं डेटॉल लेकर आती हूँ. हाँ, आर्यन तुम बता रहे थे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन करिश्मा और मैं एक एडवेंचर रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे हैं. एडवेंचर रियलिटी शो? हाँ रोशनी. और ये जगह इसका आखिरी पड़ाव, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? बाकी के पार्टिसिपेंट्स एक एक करके आउट हो गए. एलिमिनेटेड? इतना आसान गेम शो थोड़ी है. तो तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ तुम और करिश्मा ही बचे हो इस खेल में? नहीं, मैं और आर्यन सिर्फ अकेले रहेंगे. Ah!
वो सिर्फ एक हॉन्टेड रियलिटी शो नहीं था, उस हवेली में सचमुच में आत्माएं थी जिन्होंने एक एक करके हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। और उस जंगल में जिस जानवर को हमने देखा, उससे डरावनी चीज मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। और सिर्फ हम तीनों बच के निकल आए। ओ गॉड, कितना डरावना एक्सपीरियंस था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शुक्र है कि हम यहां तक पहुंच गए। आर्यन, तुम नाव के बारे में बता रहे थे, तो नाव पक्का 3 दिन में पहुंच जाएगी ना यहाँ पे? ऑफ कोर्स, 3 दिन बाद वो नाव आएगी और हम सबको यहां से ले जाएगी। तब तक तुम सब यहीं पर रहो। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तुम सब लोग थके हुए लग रहे हो। रोशनी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। थैंक्स। हाँ, और मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू चेंज, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं। कम। रोशनी, तुम ये कमरा ले लो, तुम्हें पसंद आएगा। गुड नाइट। गुड नाइट, स्लीप वेल। या बस आराम की जरूरत है। Just need to relax. अरे करिश्मा, तुम अभी तक यही हो? ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ? मैं सिर्फ देख रही थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, आई थिंक मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। वैसे तुम्हें और आर्यन को यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। आई एम फाइनली फीलिंग कि हम एक सेफ जगह पहुंच गए। तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। गुड नाइट। गौतम, तू इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है? देख विवान, आर्यन कुछ तो छुपा रहा है यार, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। और अगर होगी भी तो हम क्या कर सकते? हाँ, उसे डायरेक्टली जाके पूछ तो नहीं सकते ना कि तू क्या छुपा रहा है। वो इतनी अच्छी तरह से हमें एक बिस्तर दे रहा है सोने के लिए, अच्छा खाना दिया,
जो भी है हम कल सोचेंगे। ठीक है, देख पर आर्यन से सावधान रहना होगा हमें। और हम जरूर सावधान रहेंगे, लेकिन कल से भाई आज मुझे प्लीज सोने दे। गुड नाइट। गुड नाइट। चैन की नींद सोना चाहता हूँ। ओ यार दरवाजा बंद कर लियो यार। ठीक है, डिस्टर्ब मत करना। सुनना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगे, लेकिन उस कमरे वाले के लिए शायद तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रखना पड़े। मैं जाता हूं साहब, मैं खाना लेके आराम से, खाना गिरना नहीं चाहिए। Oh
खाना लाया लाया उस साहब। आर्यन किधर है? आर्यन साहब नहीं भेजा है, हाथ से लगा के भेजा था। मरेगा एक एक करके, तुम सबको मार डालूंगा।